तो गाइस यार मैंने करा लिया अपनी गाड़ी को पूरा का पूरा अपग्रेड। बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रही है, इसका इंजन पूरा अपग्रेड हो चुका है। नीचे देखो यार मस्त मस्त लाइटें भी जल रही है। थोड़ी सी राइड लेके आते हैं इसमें, देखते हैं ये गाड़ी कैसी हो गई है। गाइस यार फटाफट से कमेंट करके बता दो आपको ये गाड़ी कैसी लग रही है। मुझे तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया लग रही है। मुझे जल्दी से एम्बुलेंस को फोन करना पड़ेगा। अरे जल्दी उठा लो, जल्दी उठा लो। हेलो एम्बुलेंस, अरे जल्दी आओ, फेकी बे को पता नहीं क्या हो गया, यहाँ पे हमारा एक्सीडेंट हो गया। अरे जल्दी आओ बचाओ हमको। अरे यहाँ पे इतने सारे लोग कैसे आ गए? अरे अंकल आप ये क्या कर रहे हो? अरे बेटा मैं अपने यार वीडियो बना रहा हूँ ताकि मैं सबको दिखा सकूँ कैसे मस्त एक्सीडेंट हुआ है। अरे फेंकी बैग को इतनी देर लग गई, आप बोल रहे हो एक्सीडेंट हो गया? अरे डॉक्टर अंकल जल्दी से फेंकी बैग को बचा लो। तुम टेंशन मत लो, हम इसको बचा लेंगे। अरे अंकल जल्दी चलो। अरे इसको तो सांस भी नहीं आ रही। अरे अंकल क्या सांस क्यों नहीं आ रही? अरे बेटा तुम टेंशन मत लो, हम हॉस्पिटल में जाकर इनको ठीक कर देंगे। अरे अंकल जल्दी चलाओ, जल्दी चलाओ। अरे गाइस अभी हम हॉस्पिटल में आ गए और यहाँ पे डॉक्टर अंकल इलाज कर रहे। अरे डॉक्टर अंकल फ्रेंकी भैया ठीक तो हो जाएंगे ना? अरे तुम टेंशन मत लो, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। अरे गाइस फ्रेंकी भैया को आपकी मदद की जरूरत है, फटाफट से जाके कमेंट में लिख दो गेट वेल सूल फ्रैंकलिन ताकि फ्रेंकी भैया जल्दी से ठीक हो सके। जल्दी जाके लिख देना। इसका खून तो बहुत ज्यादा बह चुका है, हमें लगता है इसका हमको ऑपरेशन करना पड़ेगा। अरे मुझे लगता नहीं ऑपरेशन के बाहर भी चिंता बच पाएगा क्योंकि इसका पूरा का पूरा खून निकल गया शरीर से। अरे गाइजर ये क्या बातें कर रहे, मुझे तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है। अरे बच्चे तुम यहाँ से बाहर जाओ, हमको ऑपरेशन करने दो। अरे ठीक है अंकल चला जाता हूँ। अरे गाइजर क्या कर रही है फेंकी पे, क्या हालत तो बहुत ज्यादा खराब हो गई है। अरे मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। अरे क्या करूँ मैं, क्या करूँ, मुझे बहुत ही रोना आ रहा है फेंकी पे। अरे बेटा कुछ खाने के लिए दे दे, 4 दिन से कुछ नहीं खाया, प्लीज कुछ दे दो। अरे अंकल आपको खाना चाहिए क्या? अरे हाँ बेटा खाना चाहिए। अरे अंकल रुको मैं आपके लिए खाना लेके आता हूँ। अरे कैसर उन अंकल के लिए खाना लेके आते फटाफट से। अरे कैसर मुझे खाना मिल गया, चलो चलो फटाफट से अंकल को दे देते। अरे अंकल ये देखो मैं आपके लिए खाना ले आया। अरे बेटा बहुत बहुत शुक्रिया, इतने दिनों से खाना नहीं खाया था, अरे इतना खाना देख के तो मजा आ गया। अरे अंकल खाना तो आपने ले लिया, अगर आपको और कुछ चाहिए तो बताओ। नहीं मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अरे ये क्या हो गया, अरे अंकल क्या चले गए? अरे लड़की तुम अंकल को खा गई क्या? अरे अंकल को निकालो वापिस। बच्चे मैं हूँ एक जादुई परी, मैंने सोचा था जो भी अंकल की मदद करेगा मैं उसकी मदद करूंगी। आज के दिन तुम जो भी इच्छा मांगोगे मैं तुम्हारी पूरी करूंगी। अरे क्या आप सही में इच्छा पूरी करती है वो भी जादू से? अरे हाँ बेटा मैं कुछ भी इच्छा पूरी कर सकती हूँ। अरे तो फिर ये फेंकी बेग को ठीक करते हो, वो हॉस्पिटल में उनकी तबीयत बहुत खराब है अभी। लो अरे मैं यहाँ पे कैसे आ गया और ये क्या चल रहा है? अरे ये ठीक कैसे हो गया, हमने तो उसका ऑपरेशन भी नहीं किया, ये तो अपने आप ही खड़ा हो गया। क्या मेरा ऑपरेशन क्यों कर रहे थे आप? अरे बेटा तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था और तुम्हारा बहुत सारा खून बह गया था, हमने सोचा था तुम चिंता नहीं बच पाओगे। अरे शिनचैन तू? अरे फेकी भाई आप तो ठीक हो गए। अरे हाँ मैं तो ठीक हो गया। अरे फेकी भाई उस जादुई परी ने आपको ठीक कर दिया। क्या जादुई परी ने? अरे फेकी भाई मुझे एक बार जादुई परी मिली थी, मैंने उनको बोला की फेंकी भाई को ठीक कर दो तो उन्होंने ठीक कर दिया। क्या सही में? चलते उसके पास। अरे जादुई परी दीदी थैंक यू मुझे ठीक करने के लिए, अगर आप आज नहीं होती तो मेरा पता नहीं क्या होता। तो सिर्फ शुरुआत है, अभी तुम्हारे पास पूरा के पूरा 1 दिन है, तुम जो भी इच्छा मांगोगे वो मैं तुम्हारी पूरी कर दूंगी। क्या हम जो भी इच्छा मांगेगा वो पूरी कर दोगे, वो भी 1 दिन के लिए? और ये तो बहुत ही खतरनाक है। अरे दीदी हमें यार बहुत ही अमीर आदमी बना दो और हमारे साथ बॉडीगार्ड भी होना चाहिए और खतरनाक वाली गाड़ी भी। अबे ये क्या हो गया, अरे मेरे तो कपड़े चेंज हो गए और ये बॉडीगार्ड्स आ गए और पीछे गाड़ी भी आ गई, और ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, ये तो सच में जादुई परी है, ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तो गाइस अभी हमारे पास बॉडीगार्ड्स आ चुके बहुत सारे और ये तगड़ी सी गाड़ी भी आ चुके, चलो फटाफट से इस गाड़ी में घूमने चलते हैं। भाई कितनी बढ़िया गाड़ी, इसमें घूमने में क्या ही मजा आ रहा है। गाइस आप फटाफट से कमेंट करके बता दो हम और कौन कौन सी चीजें मांगे इस परी से और ये हमें आज के आज ला के देगी। तो गाइस अभी हम आ गए एक सीक्रेट शोरूम में। जी हाँ ये है एक सीक्रेट शोरूम, क्योंकि यार यहाँ पे बहुत ही ज्यादा महंगी महंगी गाड़ियां मिलती है जो कि वर्ल्ड में सिर्फ एक है। तो गाइस यार ये है यहाँ के डीलर, तो गाइस यार इनसे मैंने बात कर ली है, मैं यहाँ पे सारी की सारी गाड़ियां खरीदने वाला हूँ वो भी पूरे के पूरे $400 मिलियन में। तो गाइस यार इनको करने वाले अभी हम पेमेंट, पहले फटाफट से परी को बुलाते। हेलो परी दीदी थोड़ा सा $400 मिलियन दे दो ना। कैश चाहिए, गोल्ड में चाहिए या फिर डायमंड में चाहिए? मुझे गोल्ड में चाहिए, गोल्ड में अभी लो।
तो गाइस सर अभी इतना सारा यहाँ पे गोल्ड आ चुका है जो कि इनको हमने पेमेंट कर दिए। थैंक यू सर, आज से ये सारी की सारी गाड़ियाँ हमारी हो चुकी है। ये देख सकते हो भाई यहाँ पे कितनी सारी गाड़ियाँ खड़ी है और इन सब गाड़ियों को अभी हम लेके जाने वाले हमारे नए नए घर में। तो अभी सारी की सारी गाड़ियों को मैं लेके जा रहा हूँ हमारे नए नए घर में इस ट्रेलर में। ये देखो भाई हमारी गाड़ियाँ क्या ही चमक रही है, बहुत ही ज्यादा तगड़ी तगड़ी गाड़ियाँ मिल चुकी है हमें। ओए रुक जा रुक जा। अरे क्या हो गया क्या हो गया? ओए इतनी सारी महंगी महंगी गाड़ियाँ, लगता है तू तो कोई अमीर आदमी है। ए, पकड़ो इसको। अरे नहीं नहीं मेरे को मत पकड़ो, मैंने क्या किया है अंकल, सॉरी। अरे दीदी पता करके बताओ ना फ्रैंकी बे कहाँ पे? फ्रैंकिन को गुंडों ने पकड़ लिया है। अरे क्या, कौन से गुंडों ने पकड़ लिया, क्यों पकड़ लिया? अरे वो तो मुझे नहीं पता, बस पकड़ लिया है। अरे हमें उनको बचाना पड़ेगा, आप जल्दी से मुझे कुछ भी दे दो उनको बचाने के लिए। ये लो गाड़ी। अरे दीदी अभी मैं जल्दी से फेंकी बैग को बचा के आता हूँ। अरे ये गाड़ी कहाँ जा रही है? अरे इसमें तो बहुत ही तेज बूस्टर लगा हुआ है। अरे ये उड़ भी रही है, क्या हो रहा है? फेंकी भैया मैं आ रहा हूँ आपको बचाने। 1 2 3 कहाँ गया मैं? अरे कहीं सर मुझे पता चले फेंकी भैया को उन्होंने इसी घर में बंद करके रखे, इनको फटाफट से मारते। फेंकी भैया को पकड़ोगे मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, ये लो ये लो ये ले लो। अरे दीदी आपके जा रहे हो, ये लो ये लो। अरे सबको मार दूंगा जो भी मेरे सामने आएगा, सबको मार दूंगा। ये लो ये लो ये लो ये लो, सबको मार दूंगा। फेंकी भैया को पकड़ोगे? अरे ये तो वही ट्रेलर है जिसमें फेंकी भी अपनी गाड़ियां लेके जा रही थी। अरे ये तो सारी की सारी हमारी गाड़ियां है। फेंकी भैया फेंकी भैया, शिनचैन शिनचैन मुझे बचा ले। अरे फेंकी भैया टेंशन मत ले, मैं आ गया। अबे शिनचैन मुझे बचा ले यार, मेरे को ऐसे घर ले चल। अरे फेंकी भैया टेंशन मत ले, मैं आ गया, आप तो ठीक तो हो ना? अरे हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो गाइस यार फाइनली वो टाइम आ चुका है हमारे नए नए घर में जाने का। तो गाइस यार क्या आप तैयार हो हमारा नया नया घर देखने के लिए? तो जी हाँ, ये है हमारा नया नया घर जिसमें यार खड़ी है बहुत सारी गाड़ियां और एक हेलीकॉप्टर भी है यहाँ पे। अभी आपको दिखाता हूँ अंदर से कितना तगड़ा घर है ये। यहाँ पे हमारा पर्सनल गैराज है जहाँ पे अपनी गाड़ियों को अपग्रेड कर सकते हैं। और चलते हैं अपन अंदर। और ये हमारा एंट्रेंस डोर, यहाँ पे देख सकते हो हमारे कपड़े पड़े सारे के सारे। और यहाँ पे हमारा डाइनिंग टेबल है। और देखते हैं हमारे पास क्या क्या है इस घर में। ये है हमारा बड़ा सा किचन और यहाँ पे है हमारा बढ़िया सा बाथरूम। इतना ज्यादा बड़ा ये बाथरूम है। और गाइस यार बीच में देख सकते हो हमारे पास इतना बड़ा हॉल भी है और ये बहुत ही ज्यादा मस्त वाला एरिया हमने बनवा रखा है। और आपको लेके जाता हूँ मेन जगह जो है पार्टी एरिया। तो गाइस यार ये रहा हमारा पार्टी एरिया, यहाँ पे हम कर सकते हैं बहुत ही तगड़ी तगड़ी पार्टियां। और ये रहा हमारा बड़ा सा स्विमिंग पूल और स्विमिंग पूल के जस्ट सामने यार नदियां भी बह रही है। मस्त आराम से स्विमिंग पूल में जाओ, फिर नदी में जाओ, फिर स्विमिंग पूल में जाओ, फिर नदी में जाओ, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। यहाँ पे बैठने बैठने का एरिया है और यहाँ पे यार दो दो बाथटब बने हुए। और ये बड़ा सा गार्डन है हमारे लिए अकेले के लिए, मतलब शिनचैन और मेरे लिए। और गाइस फटाफट से कमेंट करके बता दो ये घर आपको कैसा लग रहा है। देख सकते हो और पास में इतने सारे पेड़ है, इतनी सारी हरियाली है और पूरी की पूरी नदी भी है पास में। तो फटाफट से बता दो आपको ये घर कैसा लगा। और यहाँ से जाते ही हमारी प्राइवेट बोट्स भी हम यहाँ पे रख सकते हैं। अभी तो सिर्फ एक ही है पर अभी हम बहुत सारी बोट्स खरीदने वाले। तो आप बता देना हम कौन कौन सी बोट्स खरीदे। और भी यार अभी भी हमारे पास यार आधा दिन और बचा है, हम परी से और भी चीजें मांग सकते हैं। तो फटाफट से मुझे कमेंट करके बता देना और क्या क्या चीजें मांगू उस परी से। तो गाइस यार आज की वीडियो सिर्फ इतना ही। अगर आपको आज वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, पता ना कैसी लगी वीडियो फटाफट से जाके कमेंट में बता दो। और गाइस इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड के डिस्क्रिप्शन में वहां पे जाके जाना, फॉलो कर लेना। और गाइस मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।